अजीत सिंह हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर यूपी पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। अजीत सिंह हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे माफिया डॉन धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। वारंट और दबिश के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, तो ऐसे में अब बाहुबली पर लखनऊ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक पुलिस ने फरार बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। देर रात तक छापेमारी के बाद पुलिस ने पूर्व सांसद के दो घरों में गिरफ्तारी वारंट नोटिस भी लगाए हैं। माफिया डॉन धनंजय सिंह के चार ठिकानों पर लखनऊ पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने गडुम्बा थाना क्षेत्र के एडन एनक्लेव के पास शादियाना मैरिज हॉल, सुल्तानपुर रोड पर सूर्या होटल के पीछे, ऐशबाग इलाके के मालवीय नगर और गोमती नगर के शारदा अपार्टमेंट में एक साथ दबिश दी। इतना ही नहीं, विभूति खंड पुलिस की टीम ने दिल्ली में भी कई जगह छापेमारी की। हालांकि धनंजय सिंह का कहीं भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। बता दें, 6 जनवरी को लखनऊ में मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की लखनऊ में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बीते 14 फरवरी को अजीत सिंह हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य शूटर गिरधारी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। शूटर गिरधारी ने पुलिस पूछताछ में माफिया डॉन धनंजय सिंह का नाम लिया था। न्यूज डेस्क।